subscribe and hit the bell icon to never miss an update from eTimes TV. हाय, दिस इज़ शीतल तिवारी हियर। और शूटिंग तो हमारी चल रही थी बाहर हैदराबाद में। पहले रिसेंटली हम शिफ्ट हुए हैं बॉम्बे में, क्योंकि शूटिंग अलाउ हो गई है बॉम्बे में। तो इट्स वेरी रिस्की, दो आई वुड से कि बहुत ही रिस्की है अभी शूट करना। बट देन हम सारे प्रिकॉशंस ले रहे हैं, हम सैनिटाइज़ करते हैं, हम कोविड टेस्ट करवाते हैं, और सबने वैक्सीनेशन के लिए सबको बोल दिया गया है। इनफैक्ट मैं भी कुछ ही दिनों में वैक्सीनेशन लेने ही वाली हूँ, जिस दिन मुझे थोड़ा सा टाइम मिल जाए। अभी बहुत ही हेक्टिक स्केड्यूल चल रहा है, क्योंकि जैसे हम बॉम्बे आए तो हमें 3-4 दिन का गैप और थ्री फोर डेज़ की हॉलीडे मिल गई थी। तो इसीलिए फिर अभी वापस से बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक स्केड्यूल हो गया है। तो जैसे ही मुझे भी टाइम मिलेगा, मैं वैक्सीनेशन लेने वाली हूँ, और सभी को वैक्सीनेशन लेना बहुत ही ज़रूरी है। सच बोलूँ तो मुझे मेरा जो ड्रेस वाला लुक था, जो चुलबुली लड़की और जो बहुत ही बहुत ही ग्लैमरस और वैसी लड़की गुंजन थी पहले शादी के पहले, जो शादी के पहले वाला लुक था, वो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल था। साड़ी लुक्स रियली एलिगेंट, लाइक साड़ी में तो सबने मुझे, यहाँ पे जितने भी लोग हैं, सबने मुझे कॉम्प्लीमेंट दिया कि तुम साड़ी में ज़्यादा अच्छी लग रही हो। बट देन मेरा फेवरेट ड्रेस था बिकॉज इट वॉज़ वेरी कम्फर्टेबल, और तुम्हें 12-12, 13-13 घंटे कपड़े पहन के पूरा मेकअप लेके बैठना होता है, तो ऑब्वियसली कम्फर्ट सोचती हूँ मैं। बट देन दिस लुक इज सो प्रिटी, मुझे बहुत ही प्रिटी लगा इनका साड़ी का कलेक्शन। गुंजन के लिए इन्होंने जो भी जितनी भी साड़ियाँ लाई हैं, वो बहुत ही एकदम सिल्की, बहुत ही मुलायम, और बहुत ही कॉटन टाइप्स, और बहुत ही कहते ना, बहुत ही एलिगेंट है, बहुत ही क्लासी है, शीक है सबके सब साड़ियाँ। सो आई जस्ट लव द लुक, दिस लुक इज रियली गुड, लाइक रियली गुड। यहाँ पे जितने भी आर्टिस्ट हैं सब दोस्त बन चुके हैं, बिकॉज जैसे कहते हैं ना कि अगर किसी को 24/7 एक साथ रहना पड़ जाए, पहले तो हम स्टार्टिंग में मिलते सब इतना ज़्यादा फ्रेंडली नहीं थे, बट जैसे जैसे टाइम बीत गया, बिकॉज हमें ऑलमोस्ट 7-8 मंथ्स हो गए हैं शूटिंग करते करते, तो अब हम बहुत ज़्यादा क्लोज़ हो चुके हैं सब। तो जब हम हैदराबाद गए थे तो वहाँ पर हमने बहुत इन्जॉय किया, बिकॉज 24/7 हम साथ में थे, और वहाँ पर एकदम नेचर के पास थे। वहाँ पर बहुत ही ब्यूटीफुल, रामू जी इज़ लाइक रियली ब्यूटीफुल लोकेशन, बहुत ही ब्यूटीफुल लोकेशन है। वहाँ पे हमने बहुत एंजॉय किया है, वहाँ पे हम साथ में उठते थे, मैं और श्रुति तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट फ्रेंड बन गए, मैं, श्रुति और राशि। मतलब मेरा दो ऐसे अलग अलग ग्रुप्स है, मतलब मेरे ग्रुप्स हैं मेरे माइंड में, जिनके साथ मैं अलग अलग चिल करती हूँ। सो सभी अच्छे हैं, सबके साथ बैठना उठना खाना सबके साथ होता था, और आदित्य के साथ मेरा चेस गेम्स बहुत होता था, और हम लोग चेस खेलते थे वहाँ पे, बहुत ही मज़ा आता था। और हमने साथ में बहुत सारी रील्स भी बनाई है, जैसे कि आप देख सकते हैं। बॉन्डिंग काफ़ी अच्छी हो चुकी है। फ्रेंकली स्पीकिंग, मैं हूँ तो यूपी साइड की ही, मतलब मेरे फोर फादर्स और ये सब यूपी के ही हैं, अलाहाबाद के। बट देन मैं बॉर्न एंड ब्रॉड अप बॉम्बे हूँ, तो मेरा जो एक्सेंट है, मेरा जो है वो पूरा मुंबई कर वाला है, लाइक कहाँ जा रही है, क्या कर रही है, कहाँ, मतलब पूरा एक्सेंट ऐसे बॉम्बे कर वाला है, टिपिकल। बट देन यहाँ पर ये लैंग्वेज अडोप्ट करना बहुत ही मुश्किल था मेरे लिए। बट देन शुरुआत से ही मुझे ये कहा गया था कि तुम मॉडर्न गुंजन हो, तो तुम्हें वो प्रॉपर एकदम एक्सेंट वाला भोजपुरी या बिहारी लैंग्वेज पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, तुम अपने टोन में बोल सकती हो। तो वहाँ पे मुझे थोड़ा छूट दे दिया था प्रोडक्शन ने, मतलब डायरेक्शन टीम ने वहाँ पर मुझे थोड़ा छूट दे दिया था, तो काफ़ी ईजी और स्मूथ हो गया था मेरे लिए लैंग्वेज, क्योंकि मुझे हिंदी और इंग्लिश ही बोलना है, मुझे बिहारी या भोजपुरी लैंग्वेज नहीं बोलना है शो। तो ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है, ये शो का ऑफ़र मुझे कैसे आया और ये शो मुझे कैसे मिला, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग कहानी है। मैं एक्चुअली थी केदारनाथ में, और मैंने दिया था 4 लाइन्स के लिए इमली का ऑडिशन, इमली में जो मुन का कैरेक्टर है उसके लिए मैंने ऑडिशन दिया था, और उन्होंने मुझे शॉर्टलिस्ट किया था उसके लिए मुझे मॉक शूट भी हुआ, प्रॉपर ट्रायल शूट भी हुआ। बट देन उसमें शायद मेरी एज छोटी लग रही थी या कुछ तो प्रॉब्लम हुआ, तो वो स्टार्ट नहीं हुआ। तो जैसे ही मैं केदारनाथ गई थी और मैं बाहर आउटडोर उत्तराखंड में थी, तो मुझे वहाँ से कॉल आया कि आप फ्री हैं क्या ये डेट को, आप आ सकते हैं क्या। मैंने बोला क्यों, क्या हो गया। उन्होंने दूसरा हमारा शो आ रहा है, 4 लाइन्स ने बोला कि हमारा दूसरा शो आ रहा है, तो क्या आप करना चाहेंगे। वाई नॉट, ऑफकोर्स करना चाहूँगी, क्योंकि इट्स अ वेरी गुड प्रोडक्शन हाउस एंड इट्स अ वेरी बिग प्रोडक्शन हाउस।
तो मैं आई बॉम्बे और जैसे मैं आई नेक्स्ट डे मॉर्निंग 7 o'clock को उन्होंने मुझे बोला कि आइए आपका ऑडिशन लेना है और मैं सीधा सेट पे गई क्योंकि इनका फर्स्ट डे था शूटिंग का फोर लाइन्स का मतलब यही शो का नमक इश्क का और मैं वहाँ पे गई मैंने मॉक शूट दिया और फिर वो ये जो आप बोल रहे हैं लहजा ये लहजा उन्हें चाहिए था पहला ऑडिशन हुआ तो उन्होंने बोला कि पहले ये लहजे में बात करो पूरा मैं आपको ऑडिशन भी अगर मेरा दिखाऊंगी तो वो लहजा मैंने पकड़ा लेकिन देन उतना अच्छे से मैं वो लहजा पकड़ नहीं पा रही थी बदन मैंने किया कोशिश किया एक ऑडिशन दिया दो ऑडिशन दिया मतलब दो बार टेक दिया तीन बार टेक दिया तीन चार ऑडिशन दिए फोर्थ फिफ्थ टेक में वो भोजपुरी वाला एक्सेंट मैंने बिहारी वाला एक्सेंट मतलब बिहारी वाला एक्सेंट प्रॉपर दे दिया था ऑडिशन फिर उन्होंने बोला कि नहीं इसको एक मॉडर्न में भी एकदम पूरा मॉडर्न टोन और पूरा मॉडर्न एक्सेंट में सारा पूरा स्क्रिप्ट वापस बुलवाओ तो मैंने वापस से पूरा मॉडर्न इसमें दिया फिर मुझे विकास सर हमारे डायरेक्टर हैं उन्होंने कहा कि हाँ चांसेस हैं कि आप सिलेक्ट हो जाओगे और कल से ही शूटिंग स्टार्ट कर रहे उन्होंने बोला क्या बात कर रहे हो मैंने तो प्रिपरेशन भी नहीं किया मैं तो जस्ट आई हूँ अभी और मुझे बहुत सारी प्रिपरेशन करनी है तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं शूट का डेट तो यही है फिर क्या था फिर मैं वैनिटी में बैठी थी और आए शिवम जी और उन्होंने कहा कि आप सिलेक्टेड हैं तो मैं खुश हो गई मेरी तो खुशी का ठिकाना ही नहीं था मैंने कहा बहुत ही बढ़िया ठीक है मैं तो आ जाऊँगी कल से तो इस हिसाब से मेरा सिलेक्शन हुआ इस शो में मैं सारी ऑडियंस को सिर्फ यही बोलना चाहूँगी कि देखो मैं युहानी के बीच में नहीं आ रही हूँ गुंजन युहानी के बीच में नहीं आ रही है लेकिन अगर गुंजन युहानी के बीच नहीं आएगी तो आप लोगों को मज़ा भी नहीं आएगा अब तो गुंजन और युग की शादी भी हो गई है तो मेरे लिए एटलीस्ट नमक इश्क का देखते रहिए और मुझे बहुत सारा प्यार कीजिए ठीक है।